यार स्ट्रेच एक्सरसाइज करने का कोशिश करा था, फट गई। बाकी कल करते हैं। गुड मॉर्निंग सब्सक्राइबर्स। मैंने कल से कल मैंने व्लॉग नहीं डाला था, पिछले एक हफ्ता पहले मैंने व्लॉग डाला था। मैंने एक चैलेंज लिया, 30 days 60 minutes वॉकिंग एवरी डे, वो भी ब्रिस्क वॉकिंग। मैं ज़्यादा हेवी लोड या ये सब नहीं कर सकता बिकॉज मैं एक ब्लड प्रेशर पेशेंट हूँ, तो हार्ट पेशेंट वाले थोड़ा ध्यान देना पड़ता है उनका, नहीं तो उनके हिसाब से अच्छा खासा एक एक्सपर्ट होना चाहिए कि बताने के लिए भाई तुम्हारा हार्ट मॉनिटर इतना है, अब इतना मत करो, ऐसे ऐसे बहुत कुछ चीज़ें होता है। तो मैंने सोचा ब्रिस्क वॉकिंग में कोई टेंशन नहीं होता, तो अगर 1 घंटा हर दिन 30 मिनट्स में वॉक करूँगा, देखते क्या होता है। 1 महीने का ये करना ही करना है। पिछले बार 365 डेज़ का चैलेंज किया था मैंने, वो तो हुआ नहीं, लेकिन चैलेंज करने में क्या जाता है, कोशिश तो कर सकते ना। तो ये है दुबई पब्लिक पार्क जहाँ पे मैं आ रहा हूँ, और हर दिन इधर ही आऊँगा अपना एक्सरसाइज करने के लिए। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन मेरा ऐसा है, ऑलमोस्ट अभी आई थिंक 3 किलोमीटर तक तो मैं चल लिया हेवी ब्रिस्क वॉकिंग। अब चलते हैं घर। अब घर पहुंचते पहुंचते ऑलरेडी 1 और किलोमीटर हो जाएगा। वो चेक करते हैं, ऐप तो ऑन ही है, आईफोन में जो ऐप रहता है वो तो कैलकुलेट करता ही है, तो उसमें चेक करके पता चलेगा कि हमने आज कितना चला। एक्सरसाइज करने का कोशिश करा था, फट गई। बाकी कल करते हैं। तो अभी मैंने एग्जैक्टली 2 राउंड लिया वो पार्क का, जो विच इज़ अराउंड 1.5 किलोमीटर्स ईच, तो हो गया 3 किलोमीटर ऑलमोस्ट। मुझे लग रहा था 1 किलोमीटर था शायद, तो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया। अब मेरे घर तक है ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर शायद, तो वो ऐप में देखेगा तो पता चलेगा भाई कितना किलोमीटर मैं कवर कर चुका हूँ हर दिन। जैसे मैंने बताया आपको, मैं कल सुबह शुरू किया था, कल तो मैं बहुत जल्दी आ गया था, आज फिर भी थोड़ा धूप है क्योंकि रात बोल रहा हूँ मैं, 5 o'clock 4:30 5 o'clock को क्या है अंधेरा रहता है, तो शूट करना बहुत मुश्किल है, तो क्योंकि मैं फ़ोन ही लेके जाता हूँ, तो जो भी है फ़ोन से ही शूट कर रहा हूँ अभी जो भी है। कैमरा उधर अलाउड नहीं करते, पता नहीं, फिर वो भी नहीं, कैमरा लेके कौन घूमेगा यार पूरा व्लॉगिंग करने के लिए। हम जा रहे एक्सरसाइज करने के लिए, फ़ोन चलेगा ना। ये है हमारा वेट स्केल या बाथरूम स्केल जो भी बोले आप, चलना। तो अभी हम नापेंगे मेरा वेट क्या है। भाई साहब 71.4 देखा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरा एक्चुअल वेट 71.4 नहीं है, ये कपड़े और मोबाइल का वेट, चश्मे का वेट सब मिला के 71.4 है। तो अभी मैं आप लोग को देते होगा, मैं देखता हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं पिछले 6 या 7 महीने पहले डॉक्टर के पास गया था मेरा बीपी चेक करने के लिए, तब मेरा वेट 64 कुछ था, मतलब उसके बाद 6 महीने में मेरा 8 किलो बढ़ गया है। इट्स नॉट गुड। तो अभी मैं वापस चेक करता हूँ विदाउट माई क्लोथ्स एंड विदाउट माई स्पेक्स, नथिंग। ये देखो दोस्तों, अभी मेरा वेट है 70.3। तो अभी आपने देखा, मैंने जब पूरे कपड़े निकाल के अपना वेट जब नापा, भाई साहब 1 किलो कम हो गया, 1 किलो। तो जब भी आप मतलब अपना वेट स्केल कर रहे हो, इसको बाथरूम स्केल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम बाथरूम में नहा धो के निकलते हैं, ऐसे कपड़े वपड़े होते नहीं है, तभी जाके आप अपना वेट नापना है। नहीं तो क्या होता है ना, पूरे कपड़ों का ही एक्चुअली 1 किलो हो जाता है, फिर फ़ोन का उसके ऊपर से 1 किलो कभी कभी उससे ज़्यादा होता है, कम होता है, मेरा चश्मा, तो ऐसे तो चीज़ें, जेब में कुछ होगा, तो उसके कारण वेट जो है ना बहुत फ़र्क होता है। और आप मेहनत कर रहे हो और देख रहे हो कि यार मेरा तो कम ही नहीं हो रहा, तो बेसिकली आप जब भी वेट नापोगे अपना, अगर आप ऐसे 30 days 60 minutes चैलेंज कर रहे हो अपने आप को, तो आप प्लीज़ कपड़े उतार के करना अपना, बाथरूम में बाथरूम स्केल रखिए और उसके हिसाब से करना, और उसको हर दिन लॉग करना अपना कि हर दिन नहीं तो हफ्ते में एक बार कि भाई एक हफ्ते में मेरा वेट कितना कम हो गया है, कितना ज़्यादा हो रहा है, तो उससे आपको पता चलेगा। याविन, गुड मॉर्निंग, वेकअप, यू हैव ट्यूशन 11 o'clock, गेट अप, कम ऑन। अबे 11 बजे ट्यूशन, उठ जा, कम ऑन गेट अप। अगले हफ्ते स्कूल शुरू होने वाला तेरा। इट्स 10:40 नाउ, कम ऑन गेट अप। अभी अगले हफ्ते से उसका स्कूल शुरू होने वाला है, इसलिए वापस वही जल्दीबाजी, हर चीज़ शुरू। मेन चीज़ उसके स्कूल के कारण हम लोग का भी पूरा जो सेटअप है, सब कुछ चेंज हो जाता है एक्चुअली। तो एनीवेज अभी तो दूध तो गर्म करके रखा है इधर पैम ने, उसको पैम चली गई काम के लिए। खाना भी है, कल का बन गया तो आज के लिए खाना भी हो गया। ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ मैं। कसरत के साथ साथ डाइट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आप खा रहे हो, पी रहे हो। देखो भाई साहब, अभी तो मेरा मेन था कि मैं कसरत बिल्कुल नहीं करता था और खाना ऐसे कुछ भी। दोपहर को तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग बाहर से खाते थे, तो बाहर का खाना कम्प्लीटली बंद। बट बाहर का खाना है तो भी आप सलाद वलाड खा सकते हो। तो अभी मैं पिछले 2-3 दिन से शुरू कर दिया था खाने का जो है लाइफस्टाइल जो है चेंज करने का। तो अभी मैं ज़्यादातर वेजिटेबल सलाद, फ्रूट सलाद, यही सब खाता हूँ। दोपहर को थोड़ा कम रखता हूँ। और टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, सुबह उठना बहुत ज़रूरी है और जल्दी सोना भी ज़रूरी है। तो वो कोशिश जारी है अभी। पिछले सुबह तो उठता ही हूँ मैं, सोने का थोड़ा तकलीफ रहता है। तो अब हम ब्रेकफास्ट ख़त्म करके थोड़ा और गुफ्तगू करते हैं और मैं आपको मेरे जो है ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता हूँ। चलिए, तो ये है मेरा 15 अगस्त से कितना किलोमीटर मैंने एक्चुअली चला है। आप देख सकते हो 0.28, 0.61, ये सब है मेरा हर दिन का चलने का। और ये आ गया हमारा 21 अगस्त जो है संडे, 5.7 किलोमीटर मैं चला हूँ। और 22 अगस्त को मैं 7.8 किलोमीटर विच वॉज येस्टरडे। तो आप मेरा तरक्की देख सकते हो उधर से। मतलब ये है आज का, जो आज मैं गया नहीं हूँ क्योंकि आज मेरे को थोड़ा बॉडी पेन हो रहा था, लेकिन मैं शाम को करूँगा ज़रूर। और ये डेली एवरेजेस जो दिखाते हैं 2251, ये मेरा डे का मैं चेक कर रहा हूँ एक्चुअली कि कितना है। ये है 10,509 स्टेप्स, 10,409 स्टेप्स। मतलब ये 2 दिन का जो था, मैं 10,000 स्टेप्स कवर कर चुका हूँ। लेकिन जो पुराने रिकॉर्ड्स देखेंगे आप, मेरा ज़्यादातर 465 स्टेप्स, 473, 1067 स्टेप्स, 1059, 947, ये देखिए 1041 स्टेप्स। ये है 19 अगस्त को, और सैटरडे 20 अगस्त फिर 576, 21 अगस्त को 10,000 स्टेप्स, और कल 10,509 स्टेप्स। मतलब मैंने कल ज़्यादा किया, दैट्स वेरी गुड। आज का है ये 138, मैं रात को आज करूँगा लेकिन पक्का। तो दोस्तों, परसों जैसे मैंने शुरू किया और कल तक जो मैंने अचीवमेंट किया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतना कर पाऊँगा। बिकॉज़ मुझे बैक पेन बहुत हो रहा था और मैं बराबर बैठ भी नहीं पा रहा था काम के टाइम पे। तो मैंने सोचा यार शायद एक्सरसाइज का ही कारण हो सकता है। आई वॉज फीलिंग माई सेल्फ लिथार्जिक, वो सब, कोई एक्टिविटी करने को नहीं है, कुछ भी नहीं है। काम बस बैठ बैठ के जो काम कर रहा था उसमें कुछ मज़ा ही नहीं आने लग रहा था। तो आई थिंक जब हम एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल फिटनेस करते हैं, उसके बाद हमारा मेंटल हेल्थ भी साफ़ होता है। तो मैंने अभी ठान लिया है। आज मैं सुबह कर नहीं पाया बिकॉज मेरा बॉडी बहुत पेन हो रहा था, बिकॉज ऑफ आई थिंक 2 दिन जो मैं एक्सर्शन कर लिया, जो बॉडी आदत नहीं है और अचानक जब आप करते हो तो वो एक्सर्ट ज़्यादा हो गया। तो मैं सुबह का थोड़ा रेस्ट ले लिया। अभी आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट बेटर। थोड़ा बहुत टांग में दर्द है मेरा, बिकॉज टांग हम चलते हैं तो उसके कारण मुझे फील बहुत हो रहा है टांग में दर्द, लेकिन आज थोड़ा कम है। अभी मैं, आज मुझे काम है, 4 बजे जाऊंगा, फिर मैं 9 बजे तक वापस आऊंगा। 9 बजे आने के बाद मैं जाऊंगा आज चलने के लिए वापस। तो डेफिनेटली आज करूंगा ही करूंगा मैं। मैं ये नहीं कि आज छोड़ दूंगा, मैंने चैलेंज लिया तो आज रात को ज़रूर जाऊंगा मैं, और 10,000 स्टेप तो कम से कम कंप्लीट करना ही करना है। और मेरे साथ रहिए, मैं हर हफ्ते इसका जो है अपडेट देता रहूँगा, मैं अपना वेट का जो है ट्रांसफॉर्मेशन भी देता रहूँगा, और मुझे यकीन है कि डेफिनेटली मेरा वेट कम होने वाला है। 70 kgs फॉर मी, 5.5 या 5.6 है मेरा हाइट, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मेरा वेट के हिसाब से आई शुड बी 58 और 60 और 62, मैक्सिमम 60-62 kgs होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो पहले मैं नॉर्मल एक्सरसाइजेस शुरू करूँगा, उसके बाद जाके मैं थोड़ा बहुत अपना जो है टोनिंग के लिए मैं कोशिश करूँगा, लेकिन ऑफकोर्स आई कैन नॉट डू टू मच ऑफ हेवी वेट और एनीथिंग, जो भी होगा उसके हिसाब से हम करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है छोटी सी ब्रेक के बाद। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया, मेरा नाम है नियो और मैं ऐसे व्लॉग्स हर दिन बनाते रहता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए, और आप बताइए आप क्या देखना चाहते हैं मेरे व्लॉग्स में, मैं उसके हिसाब से आप लोग के लिए व्लॉग्स बनाते रहूँगा। मैं हूँ दुबई से, अगर आपको कुछ दुबई के बारे में जानना है वो भी बताइए, तो मुझे भी इंस्पिरेशन होगा और मुझे भी थोड़ा आइडियाज़ मिलेगा मैं कैसे कैसे कंटेंट पे कंटेंट बनाऊँ आप लोगों के लिए, तो उसके लिए मैं व्लॉग्स आपके लिए बना सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद।